बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अपने कुकिंग शो कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खंडवियाँ। कुछ लोग इसे पंजाब में खंडियाँ खंडियाँ कहते हैं, कुछ खंडलियाँ कहते हैं। वैसे बेसिकली इसका नाम जो है वो खंडवियाँ हैं और ये बेसन से बनती हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स लिखवाती हूँ जो कि हम खंडियाँ बनाएंगे। खंडवियाँ ये है, एक पाव बेसन, एक छोटी प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 3 सब्ज़ मिर्चें छोटी, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 1 कप, 1 खाने का चम्मच घी, 1 खाने का चम्मच दही, और इसमें मसाले डालेंगे हस्बे ज़ायका नमक, 1/2 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च। ये वो अज्जा हैं जिनसे हम खंडवियाँ बनाएंगे। अब इसके ग्रेवी के अज्जा नोट कर लें। ग्रेवी के लिए हमें चाहिए ये 1 दरमियानी प्याज, इसको मैंने बारीक पीस लिया है सिल पर, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, इसको भी मैंने बारीक पीस लिया है सिल पर, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हसबे ज़रूरत ऑयल, 1 कप दही भर के, 1 पाव दही लिया था वो मैंने 1 खाने का चम्मच खंडियों के लिए यूज़ किया है, बाकी ये दही है। अब ये मसाला है, हसबे ज़ायका नमक, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, ये हमें ग्रेवी के लिए चाहिए। ये 1 पाव बेसन ले लिया मैंने, मैं उसी में इसको मिक्स करूँगी जिसमें मैं इसको पकाऊँगी। ये सारे मसाले, ये प्याज और सब्ज़ मिर्चें, दही और ये घी, घी को मैं अच्छी तरह साफ करके इसमें डालती हूँ। सारी चीज़ें डाल दी हैं मैंने इसमें। अब मैं इसमें पानी तकरीबन आपको नाप के डालना है, 1/2 किलो से ज़्यादा, 1/2 किलो से ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खंडवियों का मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया है। अब मैंने इसको बहुत हल्की आंच पर पकाना है, जैसे चावलों का दम लगाते हैं ना, वैसे आपने इसको पकाना है चूल्हे पर रखकर, और मुसलसल आपने इसमें चम्मच चलाना है मुसलसल। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है, मुसलसल आपने इसमें चम्मच चलाना है मुसलसल, छोड़ना नहीं है आपने इसको बिल्कुल भी, साइडों पे लगता है लगने दे उतर जाएगा। इसी को फिर हम शोरबा जो बनाएंगे ना उसमें मुसलसल आपने इसमें चम्मच चलाना है मुसलसल। ये देखिए पकना शुरू हो गया। अब ये आग मैंने बिल्कुल भी तेज़ नहीं की, इसकी बहुत धीमी आंच है, बहुत धीमी। घबराए ना कि गुठलियाँ बन जाएंगी, ये जब पक जाएगा तो ये बिल्कुल स्मूथली एक जैसा हो जाएगा। ये देखें
देखो पकना शुरू हो गया है, साइड से लग गया है। वो नीचे क्यों गिरी है? चम्मच आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। ब्राउन ब्राउन ब्राउन, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैं जमा रही हूँ बिल्कुल, इस आपने हल्के पतली पतली जमानी है। एक ट्रे को मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है और मैं इसको जल्दी जल्दी इसमें डाल दी। इस तरह से आप इसको सेट कर देंगे। नज़र आ रहा होगा आपको, बिल्कुल आपने इसको ऐसे सेट करना है, ठीक है। ये मैंने जमा दी हैं खंडवियाँ, अब मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। व्यूअर्स, ये मैंने काट ली हैं, इसकी कटिंग कर दी है मैंने, ये देखें ऐसे। कुछ लोग इसको बेसन की कतलियाँ भी कहते हैं। आप इसको थोड़ी देर उल्टा करके भी रखें ताकि इधर से भी इसको हवा लगे और ये फिर स्मूथली शोरबे में पके। मैं इसका एक शोरबा तैयार करूँगी, उसमें इसको डालूँगी। मैं एक पैन ले रही हूँ कढ़ाई, उसमें मैंने अब ऑयल डालना है। इसमें थोड़ा सा ग्रेवी, बेसन की ग्रेवी है ना, इसलिए इसमें ऑयल थोड़ा सा मामूल से ज़्यादा डलेगा, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल ले लिया है। और इसमें मैं ये डाल दूँगी प्याज पिसी हुई, इसको मैंने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। गोल्डन गोल्डन हो गया है, अब मैं इसमें ये सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी डाल दूंगी। इसको भी थोड़ा सा भून लूंगी ताकि खुशबू आए निकाल लूंगी। बहुत प्यारा कलर आना चाहिए। ये मसाला बहुत अच्छा सा भून गया है, अब मैं इसमें दही को फेंट कर डाल दूँगी ताकि फुटकियाँ ना बने, गुठलियाँ सी बन जाती हैं दही की। बहुत अच्छा सा फेंट के मैंने इसको ये डाल दिया, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी। मसाला अच्छे से मिल गया है, अब मैं इसमें डाल दूँगी ये सारे मसाले। नमक आप चेक करके डाल लीजिएगा, जितना आपको पसंद है आप उतना नमक डालेंगे। मसाला भून गया है ये बहुत अच्छा सा। मैं इसमें पानी वही यूज़ करूँगी, मैंने
जिसमें खनियाँ बनाई थी, बेसन पकाया था, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया है और ये इसी को मैं यूज़ करूँगी। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। इसमें थोड़ा सा और पानी डलेगा। पानी मैंने इसमें डाल दिया है, इसमें तकरीबन एक दो उबाल आएगा पानी में, फिर मैं इसमें खंडियाँ जो मैंने बनाई हैं वो डाल दूँगी। फिर उसको दो तीन मिनट के लिए पकाऊँगी, दम लगा दूँगी और फिर मैं उसको आपके सामने सर्व कर दूँगी। शोरबा पक रहा है हमारा, अब मैं इसमें ये खंडियाँ आहिस्ता आहिस्ता करके डाल दूँगी क्योंकि मुझे इनको भी पकाना है कुछ देर के लिए। इन सबको मैं इसमें डाल दूंगी और 10-15 मिनट के लिए, इतना के एक दो जोश आए बस उबाल इसमें आ जाएगा ना, आप इसमें डाल दें और उसे अपने लिए छोड़ दें। ये खंडियाँ पक रही हैं हमारी, देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं टूटी, आराम से सेट हैं। बस मैं अभी से सर्व कर दूँगी, ये खंडियाँ हमारी रेडी हैं जी। ये हमारी खंडियाँ रेडी हैं। मैं एक इंग्रेडिएंट्स बताना भूल गई थी, इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डलती है खुशबू के लिए और इसकी जान है एक किस्म की कसूरी मेथी, ये मैं इस पर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि ये इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है और ये कड़वा कर देती है डिश को, इसलिए मैं बस इसको थोड़ी देर रख के ये हमारी खंडवियाँ रेडी हैं। व्यूअर्स, ये हमारी खंडवियाँ रेडी हैं, देखें कितनी प्यारी खूबसूरत शक्ल आई है इसकी और ऑयल भी काफ़ी इसने छोड़ दिया है, ग्रेवी के ऊपर ऑयल आ गया है। उम्मीद है आपको मेरी ये डिश पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, वीडियोस पर कमेंट करें, लाइक करें वीडियोस को, इंस्टाग्राम फॉलो करें और दुआओं में मुझे याद रखें। मैंने इसको रोटी के साथ सर्व किया है, अमूमन ये रोटी से ही खाया जाता है ये सालन। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।